जलंधर के कुराली गांव के 47 वर्षीय व्यक्ति की कुछ अज्ञात लोगों ने मनीला में गोली मारकर हत्या कर दी। गौरतलब है कि 2 साल पहले मृतक के छोटे भाई की भी मनीला में कुछ लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। दोनों वहां फाइनेंस का काम करते थे। अब जब जलंधर में मृतक के परिवार को इस बात की जानकारी मिली है कि उनके दूसरे बेटे की भी हत्या हो चुकी है, तब से वे सरकार के आगे अपने बेटे के शव को गांव लाने की गुहार लगा रहे हैं। मेरे 4 बेटे थे, चौथा बड़ा था, उसे मेरे को नौकरी करता था, सरकारी नौकरी होती। उस तो बाद जरा वो तो छोटा थी, वो बीमार हो गया, उन्होंने अटैक हो गया था पूरा। ये 2 बेटे मैं भेजे थे पलपाई। इस तो पहला जरा ना जीता थी कहते थे, तो वो उ मुंडा काम से आया भी काम कर बाहर काम करते पिंड कट्ठे होंगे। फिर ये कट्ठे हो गए, दोनों भरावान ने गलबात की, बुला के बुढ़ी कह लगे पंजाबी की गल करो, ये कर दे तुम जी उधर बोली उस गल करो। वो कहना छा आप तू चलिए, मैं अपने घर नहीं चल देना। वो अपने घर चले गया, अपने घर चले गया, वहाँ जाके रोटी खाधी आ। रोटी खाने के बाद कोई बंदे हो उत्थे बैठे थे, वह शराब पीती थी, वो पैसे मंगे। उन्हें कहा सवेरे तुम पैसे दे गया, हूँ जी फिर मंगन लगे हाँ। उन्हें तू तू मैं हो गई, हूँ वो चाकू मारिया, वो चाकू इधर चला गया। ये जिहड़ा पहला बेटा सी कुलदीप, अज की तुहानू मैसेज आया उतो, अज की स्नेहा तुहानू उतो आया? उतो स्नेहा आ गया तेरे बेटे ने गोलियां मारती, पहले काम तो आया सी, हुण भी काम तो आउंदे पिछे गोलियां मारती। सानू तो इन्ना पता लगा जी बस, होर सानू कख नहीं पता किन्नियां गोलियां बजियां कि मारियां की है। बेटा जिहड़े तुहाडे पहले दी डैथ होई सी, उहदी बॉडी इत्थे आई सी? नहीं।